नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत नेचुरोपैथ। नेचुरोपैथ हमेशा अपना ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी चीज़ों से ही करता है। यदि आप खुद का बीमारियों का इलाज खुद से घर पर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में बीमारियों का कारण, लक्षण, घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा बताया हुआ है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना खुद का बीमारियों का इलाज खुद से घर पर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, यदि आप बवासीर से परेशान हैं, पाइल से परेशान हैं, तो उसको घर पे आसानी से कैसे इलाज करेंगे और आप इसको आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी घरेलू नुस्खे की मदद से। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका कुछ ही दिनों में बवासीर है या मस्से वाली है या ब्लड आ रही है, दोनों यदि बवासीर है या किस दोनों में से कोई एक है, तो आपका कुछ ही दिनों में जड़ से ये खत्म हो जाएगा। तो पहले हम एक बार जान लेते हैं कि बवासीर जो है ये कोई बीमारी नहीं है। यदि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि बवासीर बहुत बड़ा बीमारी है, तो ऐसा हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये आने वाली बीमारियों का लक्षण है। बवासीर कहाँ से होता है? सबसे पहले बवासीर कॉन्स्टिपेशन से होता है। देखिए, बवासीर का मेन जड़ कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। तो यदि आपको कब्ज नहीं है या कब्ज नहीं हो रहा है, तो पहला नंबर की बवासीर आपका नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इसमें पाइल्स बवासीर की भी बात करेंगे, फिसर की भी बात करेंगे और भगंदर की भी बात करेंगे। तीनों को तो हम एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो मेन जड़ आपका ये है और बवासीर हमेशा बताता है कि आपका खान पान खराब है और अपने खान पान और दिनचर्या को सुधारिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो बवासीर है बहुत बड़ा बीमारी है, लोग तुरंत सानी में ऑपरेशन करवा देते हैं। यदि 1 महीने, 1.5 महीने या 10 दिन दवा, पहले तो मरीज ये क्या करेंगे कि 10 दिन यहाँ खाएंगे, 15 दिन वहाँ खाएंगे दवा और 20 दिन वहाँ खाएंगे और अंत में डॉक्टर उसको ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं और अंत में वो ऑपरेशन ही करवाते हैं। फिर कुछ दिन बाद देखा जाता है कि भाई फिर दोबारा पाइल्स हो गया। तो आपको पहले ही बता दिए कि जो भी बवासीर का जो समस्या है वो वहाँ से नहीं, यहाँ से होता है। तो यदि ये चीज़ आपको कभी नहीं होगा तो पहला नंबर की कोई बीमारी तो होगा ही नहीं, और यदि हो भी गया है तो इसको ठीक कर लीजिए। तो यदि आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो समझिए कि आपका पाइल्स बवासीर हमेशा होते रहेगा। यदि दवा खाएंगे 1 महीने ठीक रहेगा, यदि फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा, फिर वही चीज हो जाएगा। तो फिर आज इस डॉक्टर के यहाँ इलाज करा रहे हैं, कल फिर किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे इलाज कराने के लिए। अंत में आपको डॉक्टर सलाह दे देंगे कि आप ऑपरेशन करवाइए, ऑपरेशन करा लेंगे और फिर दोबारा भी हो जाता है। तो जब दोबारा हो जाए तो क्या करेंगे फिर? तो फिर तो आपको दवा ही कराना पड़ेगा, घरेलू उपचार ही कराना पड़ेगा, नुस्खा ही करना पड़ेगा। ऐसे हमने कई पेशेंट को देखा है कि तीन तीन बार, दो दो बार ऑपरेशन हो चुका है और फिर भी पाइल्स बवासीर हो ही रहा है। तो अब बताइए कि क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिपेशन को दूर कीजिए, कब्ज को दूर कीजिए। जिस दिन आपका कब्ज खत्म हो जाएगा और यदि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई कब्ज को हमको दवा से ही ठीक करना है, कब्ज का दवा ही आता है मार्केट में, तो दवा तो आता है लेकिन दवा से आप कब्ज ठीक नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ समय के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, जैसे 1-2 दिन के लिए आपको इसे लाभ मिलेगा, लेकिन फिर बाद में वही चीज हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन का जो इलाज है, कब्ज का जो इलाज है, एक मरीज से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। मरीज कैसे करेंगे? तो मरीज के पास कोई दवा ही नहीं है, क्यों करेंगे? हाँ, लेकिन मरीज के पास बहुत बड़ा हथियार है। वो क्या हथियार है कि यदि आपका खान पान सही हो जाता है, दिनचर्या सही हो जाता है, तो आपको पहला नंबर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा, और कब्ज नहीं होगा तो कोई बीमारी नहीं होगा, और यदि बवासीर है, फीसर है या भगंदर है तो ये आपका ठीक भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि बवासीर क्या होता है। ये देखिए, ये जो है हमारा मल द्वार है, मल द्वार है, यहाँ रेक्टम है और ये एनस है। अब रेक्टम है और एनस है, तो अब देखिए जब आपका कॉन्स्टिपेशन होगा तो देखिए कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन का एक पहचान है कि यदि आपको मल त्यागने में दिक्कत हो रही है, बहुत कठिनाई से आपका मल बाहर आ रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन मल हो गया है, तो समझिए कि आपको कब्ज है। तो पहले उसके लिए आप दवा ले, पहले उसको सही करें, तब जाकर ये सही होगा। अब बता रहे हैं कि इसमें दो तरीके का पाइल्स देखा गया है। एक यहाँ देखा गया कि एनएस द्वार के पास, यहाँ पे भी मस्से हो जाते हैं, देखिए यहाँ हो जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं। ये एनएस के पास जो मस्से होते हैं, बड़े बड़े मस्से होते हैं, ये बहुत दर्दनाक होते हैं। हाँ, इसमें तत्काल में ब्लड नहीं आता है, लेकिन ये अंदर का जो मस्सा है जो इस जगह पे होते हैं, इस तरह से लटके होते हैं इस तरीके से, इससे ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। ब्लड बहुत ज़्यादा आता है, लोगों को समझिए कमजोरी आ जाता है, तो खूनी, इससे खून भी आता है। ये खूनी मान लीजिए, ये बादी मान लीजिए, ये मस्से वाली, इसको बोलते हैं मस्से वाली। तो आप इसको देखिए कि ये खूनी बवासीर, ये बादी बवासीर, मस्से वाली बवासीर। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपका ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑपरेशन से ही ठीक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको बवासीर है तो बवासीर कोई बीमारी नहीं है, बवासीर एक लक्षण है। ये आपको ये दर्शाता है कि यदि आपका खान पान सही नहीं है तो आप उसको सही कीजिए, नहीं तो फिर बीमारी आपको घेरने वाली है, आने वाली है। यानी आपका पेट को ये दर्शाता है कि आपका पेट पूरी तरीके से खराब है, पेट पे आप ध्यान दीजिए। तो कारण क्या होता है कि आपको ये पाइल्स मैंने बता दिया, और मल द्वार के पास किसी भी तरह का समस्या होता है तो पेशेंट को ये लगता है कि भाई हमें बवासीर हो गया है। अब तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, वहाँ जाने के बाद डॉक्टर को बताते हैं कि भाई हमको बवासीर हो गया, या तो मस्सा आ गया, या तो ब्लड आ गया, या तो जलन हो रहा है। डॉक्टर समझ गए कि भाई इनको पाइल्स हो गया है, दवा दे देते हैं। लेकिन सही इलाज क्या है इसका, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो जिस तरीके से आप बवासीर का दवा खाना शुरू कर दिए, हाँ हो सकता है यदि सही मायने में बवासीर होगा, यदि दवा काम कर रहा है तो आपका मस्सा का साइज घटना शुरू हो जाएगा, या तो ब्लड आ रहा है तो ब्लड बंद हो जाएगा, यानी ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से देखिए, यहाँ पे भी ये चीज़ है मल द्वार के पास, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पे एक चीरा लग जाता है। ये बवासीर की बात बता रहे हैं, ये बवासीर आपका हो गया, ये फीसर की बात बता रहे हैं, ये फीसर हो गया आपका। तो आप देखिए कि यहाँ जो मस्सा हो रहा था, यहाँ भी मस्सा हो रहा था, इससे ब्लड आ रहा था, इससे ब्लड नहीं आ रहा था, तो ये बवासीर का लक्षण है, ये बवासीर है। लेकिन फीसर के लिए बात बता रहे हैं कि यहाँ पे चीरा लग जाता है। अब चीरा क्यों लगता है, आपका मल बहुत सख्त हो गया है, कड़ा हो गया है, हार्ड हो गया है, सूख गया है, और आप ज़बरदस्ती जाकर बाथरूम में दबाव डाल रहे हैं, तो दबाव डालने से क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये फट जाता है, यानी कट गया। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो बहुत बारीकी से मैं आपको समझाता, जो एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इसको देखिए, नुस्खा को कीजिए, और फिर आने वाले समय में हम डिजिटल बोर्ड पे बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तत्काल आपको एक छोटी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है कि यहाँ चीरा लग गया। अब चीरा लग गया तो जब भी जाएंगे फ्रेश होने के लिए, तो क्या होगा कि अब जिस तरीके से ये मल बाहर आएगा, ये इस तरीके से, तो क्या होगा कि आपका ब्लड आना शुरू हो जाएगा। और ब्लड जब भी आएगा तो एक साइड में ही आएगा, जिधर चीरा लगा हुआ होगा उसी साइड में आपका ब्लड आएगा। ये चीज़ आपको पता कर लेना है। जैसे ही आप बाथरूम करके उठेंगे तो आपको जलन से महसूस होगा, या लगेगा कि यहाँ कुछ मिर्चा डाला हुआ है, एकदम जलन होगा, इतना ज़्यादा जलन होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये आपका फीसर का पहचान है। अब देखिए, यही दो लोगों को ज़्यादा होता है। यदि फीसर भी होता है तो पेशेंट मेडिकल स्टोर से बवासीर का ही दवा खाते हैं, अब बवासीर होता है तो फिर भी उसी का दवा खाते हैं। तो देखिए, बवासीर का जब दवा खाएंगे आप पाइल्स का, तो ये दोनों में काम करता है। यहाँ तक कि पाइल्स का खाएंगे तो भगंदर भी काम करेगा, फीसर में भी काम करेगा, आराम सभी को मिलेगा। लेकिन बवासीर की तुलना में जहाँ तक हम देखें कि फीसर में थोड़ा समय लगता है, और इसका ट्रीटमेंट फीसर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जैसे क्रीम वगैरह लगाने के लिए हम लोग पेशेंट को देते हैं अंदर तक, ताकि यहाँ लुब्रिकेंट हो, यहाँ लुब्रिकेंट नहीं रहता है जी। यहाँ बहुत, ये जो एनस का मसल्स होता है बहुत हार्ड होता है, तो समझिए कि इसको रिकवर करने में, ठीक होने में समय लगता है। तो जब भी आपको बवासीर हो तो आपको ये चीज़ देखना है कि कहीं फीसर तो नहीं है, कि बवासीर क्या है,
लेकिन ऐसा नहीं कि फिसर हो और बवासीर की दवा खा रहे, लेकिन काम तो करेगा दोनों में। तीसरा एक भगंदर होता है, ये भी मल द्वार के पास, समझिए कि ये जो है मल द्वार, यहाँ पे समझिए कि आपका जो ये मल द्वार के पास एक दो गैपिंग बन जाएगा, यानी एक दो सुरंग बन जाएगा, और इससे हमेशा कुछ ना कुछ गंदे पदार्थ आते रहेंगे, बहुत गंध देते रहेंगे। यानी समझिए कि जो आप टॉयलेट करते हैं, बाथरूम करते हैं, वो हमेशा इससे पानी रिसते रहता है, और आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसके लिए दवा तो कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन ही एक इसका अंतिम विकल्प है। दवा से तत्काल में समझिए कि भगंदर यदि आपको हुआ है तो पाइल्स से ही हुआ है, लेकिन काफी दिन पाइल्स रहने की वजह से ही हुआ है ये। तो समझ लीजिए कि ज्यादा दिन ये पाइल्स रह गया है तभी भगंदर हो गया है, नहीं तो डायरेक्टली भगंदर अभी तक तो हम देखे नहीं है। पेशेंट को देखे हैं, बताते भी हैं कि किसी किसी को हो जाता है, लेकिन भगंदर है तो आप इसके लिए ऑपरेशन ही एक बेहतर विकल्प है। और घरेलू उपचार मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, यदि आप करेंगे तो तीनों पे लाभ मिलेगा, आदम ठीक होना ही है, भगंदर भी रहेगा तो ठीक हो जाएगा आपका। तो आप इसको, इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, एक छोटी सी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। डिजिटल बोर्ड नहीं होने की वजह से हम आपको सही जानकारी नहीं उपलब्ध करा पाए हैं, इसलिए कि जो फिगर जो है, हम फिगर सही से आपको डिजाइन करके नहीं बताए, ताकि फिगर से दिखाते तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि बवासीर है तो आप समझ लीजिए जो बताया है, फिसर है तो बता दिए कि चीरा लग जाता है और जलन जैसा महसूस होता है, भगंदर में बता दिया कि बहुत सारे सुरंग हो जाते, 2-4-5। ये एनस के पास मल द्वार, ये मल द्वार है, ये मल द्वार के पास, एनस के पास इस तरीके का देखने को मिलता है, यानी 2-3 सुरंग हो जाता है, उसमें से कुछ ना कुछ आते रहता है। यानी समझिए दिन भर आपका पैंट जो खराब होगा, बहुत गंध आते रहेंगे, और आप सही से परेशान है, बहुत दर्द भी करेगा, आप बैठ भी नहीं पाएंगे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, यदि आपको जानकारी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।